सतवास के काटाफोड़ में पालकों ने थाना परिसर में पहुंचकर चैंपियन इंटरनेशनल स्कूल संचालकों के विरुद्ध महामहिम राज्यपाल, एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी के नाम संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। पालक कमल परासर, हरप्रीत भाटिया, जब्बार शाह ने बताया कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के बावजूद भी स्कूल द्वारा जबरन फीस वसूली जा रही है। स्कूल द्वारा तय फीस के मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर ली गई है। स्कूल फीस बढ़ोतरी की सूचना भी पालकों को बाद में दी जा रही है। पालकों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की मासिक फीस 900 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी, किंतु स्कूल संचालकों द्वारा सत्र के अंत में 1200 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से फीस वसूली गई। बिल हमें दिया गया। पालकों को बताया कि स्कूल संचालकों की मनमानी यही नहीं रुकी और उन्होंने फीस बढ़ाकर 1350 रुपये कर दी है। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। आपको आपके बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया? जी, उनको बाहर खड़ा कर दिया गया। बच्चे रोते रहे और रोते रोते घर आए। दूसरी बार फिर एक बार हमको बुलाया कि आपके बच्चों की एग्जाम है, आप आइए। हम बच्चों को फिर लेके गए, उन्होंने फिर वही बोला कि आपको यही फीस भरनी पड़ेगी, नहीं तो हम परीक्षा नहीं लेने देंगे। इस तुगलकी फरमान को आप उन स्कूल संचालकों को उनकी मनमानी को रोकिए। हम शासन से यही विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। पूरे क्षेत्र के पालक बहुत परेशान हैं। आखिरकार क्या हुआ, परीक्षा दे पाए बच्चे या नहीं? नहीं, नहीं दे पाए। सीजन शुरू होने वाला है। हम पालकों को ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि अब बच्चों के लिए क्या करें। उन सब्जेक्ट की आज तक परीक्षा नहीं हो पाई और इनका मेरा 50,000 रुपये का बिल है कोरोना काल का, इनका 44,000 का बिल है, एक मेरा मित्र है सलामतपुरा का, उसका 1,00,000 रुपए का बिल है। कहाँ से ये, हम कोरोना काल में कैसे कैसे बिल बढ़ गए ये भगवान ही जानता है, ये स्कूल संचालक जानता है। आचार संहिता लगी हुई है और धारा 144 भी क्षेत्र में लागू है। इस कारण से हम लोग चैंपियन स्कूल में जो ज्ञापन देने आए उसी कारण चार लोग हमें शासन से अनुमति प्राप्त करके आए हैं। नहीं तो ये पूरे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है कि चैंपियन स्कूल ने अपनी मनमानी के कारण आज ना जाने कितने छात्रों को फीस बढ़ा दी और फीस बढ़ाने के बाद उनसे परीक्षा भी नहीं ली और उन बच्चों को रोते हुए घर भेजा गया, जबकि शासन और मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले और लड़कियों को, तो लड़कियों के लिए तो विशेष शिक्षा का और फीस खत्म करके और उन्होंने पढ़ाने का विचार किया, जबकि हालत यह है कि चैंपियन स्कूल सतवास ने हमारे बच्चों को बिना परीक्षा दिए ही पूरा सत्र कर दिया है और आज दिनांक तक वो सब्जेक्ट की परीक्षा भी नहीं हुई है। हमें शासन से ये प्रार्थना करते हैं कि वो स्कूल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करें और उनसे ये पूछे कि भाई इनका क्या क्या कसूर है। जिन लोगों ने फीस बढ़ा दी वो फीस हम बढ़ी हुई कैसे दें, जबकि कोरोना काल में ऑनलाइन फीस बहुत कम थी, लेकिन इन्होंने पूरे साल की फीस लेकर के और बच्चों के पालकों पर दबाव बनाया कि ये फीस भरे और नहीं तो फिर आपको परीक्षा देने नहीं दी जाए। अभी शिक्षण शुल्क को लेके कुछ पालकों में असमंजस है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा और ये स्पष्टीकरण भी देना चाहूँगा कि कोरोना काल में जबकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी उस दौरान सभी प्राइवेट स्कूलों ने मिलजुल कर यह निर्णय लिया था कि बच्चों को शिक्षण शुल्क में केवल 60% ही हम लोग उनसे चार्ज करें, तो हमारे द्वारा भी शिक्षण शुल्क जो है 60% या उसके आसपास ही रखा गया। इसके अलावा कोई भी अन्य शुल्क नहीं लिया गया, जिसके हेतु हमने पालकों को विभिन्न माध्यमों से, जैसे व्हाट्सएप है या टेलीफोनिक माध्यम है, इनके माध्यमों से अलग अलग समय पर सूचना भी दी थी कि यह सामूहिक निर्णय है और उसमें हम शिक्षण शुल्क में कटौती करके आपसे ले जा रहे हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि किसी का कोरोना काल में 1,00,000 से अधिक का शुल्क हमने मांगा गया है या 50,000 से अधिक का मांगा गया है, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 50,000 1,00,000 का मामला है ये उन पालकों के फीस बकाया है जो कि 2 या 2 से अधिक सत्रों से जिन्होंने शिक्षण शुल्क नहीं जमा किया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल में ये जो 2 साल निकले हैं इसमें सभी हमारे संचालक साथी मेरी बात से सहमत होंगे कि सभी स्कूलों में शुल्क बकाया इतनी गंभीर समस्या है कि आज स्कूलों के संचालन में भी बहुत कठिनाई स्कूलों को फेस करना पड़ रही है। फिर भी हम लगातार हमारी तरफ से सारी सुविधाएं और सारी शिक्षण की सारे मापदंडों पर खरे उतरते हुए हम लगातार सभी पालकों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि शिक्षण शुल्क से संबंधित कोई भी अगर उन्हें असमंजस है तो वो स्कूल में आके पूरा जितने सत्र से बच्चा इस स्कूल में अध्ययनरत है वो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जो भी असमंजस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।